75 वर्ष पूर्व हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य के एक उपनिवेश से लेकर दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की ये यात्रा जितनी गौरवशाली है उतनी ही चुनौतियों, त्याग और संघर्ष से भरी हुई। कितने ही वीरों ने इसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, मृत्यु से कष्ट कर जीवन जिया और इस देश के कल के लिए अपना न केवल आज बलकि सर्वस्व होम कर दिया। तब जाकर आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमारे प्रदेश झारखंड में भी बगावतों का एक समृद्ध और सफल इतिहास रहा है। इस वृत्त चित्र में झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलनों और इनके नायकों के इन्हीं छुए अनछुए पहलुओं पर हम बात करेंगे। दरअसल झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलनों की रूपरेखा देश के बाकी हिस्सों के स्वतंत्रता आंदोलनों से काफी मायने में अलग रही है। एक सबसे अहम बात तो ये थी कि जहां बाकी देश में अंग्रेजों के खिलाफ सुनियोजित व संगठित विद्रोह की शुरुआत 1857 के आसपास हुई, वहीं झारखंड में अंग्रेजों को करीबन 70 वर्ष पूर्व ही ऐसे संगठित विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहों की मारकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1784 में ही तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने ब्रिटिश सेना के एक शीर्ष अधिकारी क्लीवलैंड को मार गिराया था। मुगलों जैसी शक्ति को हराने वाली अंग्रेज सेना के लिए ये एक शर्म और डराने वाली बात थी। डॉक्टर आर के तिवारी अपनी किताब झारखंड की रूपरेखा में लिखते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों को शुरुआत से ही विरोध का सामना करना पड़ा। वो लिखते हैं कि बंगाल बिहार के क्षेत्रों पर तो मुगलों का नियमित प्रशासन था, पर झारखंड के आदिवासी इलाके उनके प्रभाव से हमेशा मुक्त रहे। इसलिए जब 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी, तो झारखंड के शासकों ने अंग्रेजों का मुगलों के दीवान के रूप में कर वसूलने के दावे को शुरू से ही अवैध करार दे दिया गया। डॉक्टर वीना शर्मा इस बारे में आगे बताती हैं कि 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के महज 2 साल के अंदर 1767 ईस्वी में ही अंग्रेजों को ढाल विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस विद्रोह की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 साल के अंदर पूरे ढाल भूम आधुनिक घाट शिला के क्षेत्र से अंग्रेजों के पैर खड़े हैं। इसके बाद विद्रोहों की श्रृंखला ही चल पड़ी, जो तमाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह से जाती हुई अंततः संथाल विद्रोह के जरिए 1857 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता विद्रोह में मिल जाती है। झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलनों की एक और विशिष्टता इसकी जन भागीदारी और लोक नेतृत्व में है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, बिरसा मुंडा से लेकर ताना भगत तक ये कोई राजे महाराजे या उनके वंशज नहीं थे। ये असली मायनों में जननायक थे जो साधारण पृष्ठभूमि से आए थे। राष्ट्रीय परिदृश्य में जन भागीदारी का जो स्वरूप महात्मा गांधी के प्रादुर्भाव के बाद दिखता है, झारखंड के आंदोलनों में वो बहुत पहले से परिलक्षित होता है। इस बारे में डॉक्टर निरुपमा कुमारी बताती हैं कि तिलका मांझी ने
जब अंग्रेजों की पहाड़ी और मैदानी लोगों को लेकर फूट डालने की नीति के विरुद्ध जब बिगुल बजाया तो उन्होंने साल पत्ता के जरिए घर घर लोगों तक आपस में एक रहो और विद्रोह में साथ देने का संदेश भिजवाया। वहीं सिद्धो कान्हू की दोनों बहनें फूलो और झानो ने सखुआ के डाल को निमंत्रण पत्र बनाकर पूरे जनजातीय समाज को अपने आंदोलन से जोड़ लिया था। इसी तरह बिरसा मुंडा ने धरती आबा के नैतिक आह्वान के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश की। इस संबंध में बिरसा मुंडा का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा ने झारखंड और आसपास के जनजातीय स्वतंत्रता संघर्ष को वैसे ही प्रभावित किया था जैसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था। गांधी जी के स्वराज और बिरसा मुंडा के उलगुलान में कुछ भिन्नताएं होने के बावजूद इन दोनों ही आह्वानों के पीछे बौद्धिक एवं वैचारिक आयामों में अद्भुत साम्य मिलेगा। यह ये बात महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने विदेशों में पढ़ाई की, विदेश में रहे भी अंग्रेजों की व्यवस्था के गुण दोषों से वे बारीकी से परिचित हो पाए थे। लगभग 35 वर्ष की आयु के पश्चात ही वे अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम में जुड़े थे, जबकि बिरसा कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और 25 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका देहांत हो गया था। ये बात बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों को विशिष्ट बनाती है। शायद यही कारण है कि जिस प्रकार महात्मा गांधी को देश में राष्ट्रपिता के नजर से देखा जाता है, जनजातीय समाज बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देता है। अभी हाल में भारत सरकार ने भी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम की बात, महिला क्रांतिकारियों की भूमिका पे बात किए बिना अधूरी रहेगी। इनमें से जो सबसे प्रमुख नाम है वो है फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू का। ये संथाल क्रांतिकारी भाइयों सिद्धो कान्हू और चांद भैरव की बहनें थी। झारखंड के विद्रोहों की एक खास विशेषता उनकी छापामार शैली रही है। डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार पांडे अपनी किताब झारखंड का इतिहास में लिखते हैं कि झारखंड के विद्रोहियों ने अंग्रेज शासन के सामने वैसे ही चुनौती पेश की जैसी मराठों ने मुगलों को पेश की थी। यह भी संभव है कि चूंकि सरगुजा के सटे क्षेत्रों तक काफी हद तक मराठाओं का आना जाना था तो विद्रोह का ये छापामार तरीका उनसे प्रेरित हो। झारखंड के घने जंगल भी इस काम में विद्रोहियों का खूब साथ दे रहे थे। जो भी हो पर इस कारण दीवानी मिलने के तकरीबन 100 वर्ष बीतने पर भी अंग्रेज झारखंड के 50% से अधिक भूभाग पर कभी अपना शासन स्थापित नहीं कर पाए थे। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के दूसरे हिस्सों से अंग्रेजों के खिलाफ बज रहे बिगुल में भी कदम से कदम मिलाते हुए साथ दिया। नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, घासी सिंह और विश्वनाथ सहदेव जैसों ने 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह में झारखंड की तरफ से शानदार नेतृत्व किया। अपने प्रागैतिहासिक हथियारों और दृढ़ इरादों के बल पर आधुनिक शस्त्रों का दंभ पाले ब्रिटिश शासन को घुटनों पर ला देने वाले इन सभी फौलादी स्वतंत्रता सेनानियों की पुण्य स्मृति को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा बोकारो इस्पात परिवार नमन करता है।